थाना क्षेत्र और थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के अंतर्गत गगन स्कूल खैर बाईपास के पास अलीगढ़ शहर में राशन के चावलों की कालाबाजारी अधिकारियों के मिली भगत से धड़ल्ले से की जा रही है, जिसमें कुछ थाना और चौकी एवं पूर्त अधिकारी भी इस कालाबाजारी में शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया है कि अलीगढ़ शहर और देहात में राशन के चावलों की कालाबाजारी अलीगढ़ में नंबर वन पर है, जिसमें कुछ राशन चावल माफिया मुकेश शर्मा और भोला ठाकुर वीरपुरा थाना गभाना चावलों की कालाबाजारी धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ अधिकारियों की निगरानी में चरम सीमा पर फल फूल रहा है। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि मुकेश शर्मा के खिलाफ राशन की कालाबाजारी में थाना बन्ना देवी में मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी जाँच चल रही है। दूसरा मामला भोला ठाकुर वीरपुरा का रहने वाला है, ये भी राशन चावल का माफिया है और इसके खिलाफ कई मामले जिलाधिकारी अलीगढ़ के यहाँ पंजीकृत हैं। अभी तक मुकेश शर्मा और भोला ठाकुर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों माफियाओं ने अलीगढ़ शहर और देहात में अपना राशन चावल की कालाबाजारी का सिक्का जमा रखा है। अधिकारियों को चावल की कालाबाजारी के बारे में सूचना दी जाती है तो अधिकारी भी इस बारे में अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर ऐसे ही राशन के चावलों की कालाबाजारी चलती रही तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। कल हमारे मंडी समिति अलीगढ़ के सचल दल ने गाड़ी पकड़ी चावल की जी, जो आपके सामने यहाँ कंटर खड़ी हुई है जी। इसमें चावल लोड बताया जा रहा है जी। कल शाम तक इसके कोई भी मौके पर आदमी नहीं आया था। आज सुबह हरिओम गुप्ता नाम के एक आदमी शख्स ने इसकी अपनी कहा कि ये माल मेरा है जी। इसमें 170 क्विंटल चावल लोड है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। जितना हमारा मंडी शुल्क बैठता है उसका 10 गुना जुर्माना, उसकी रसीद काटी गई है। इसकी रसीद लगभग 1,03,500 के आसपास की रसीद कटी हुई है। उसके बाद में अभी ये खड़ी हुई है, उसके बाद शाम को यहाँ से रिलीज हुई है।